नमस्कार, केवर रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मठरी। इसके लिए हमने आधे किलो मैदा ली है और एक चम्मच मैंने छोटी चम्मच से बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर सॉरी। ये थोड़ी सी मैंने एक चम्मच करीब अजवाइन ली है, इसको हाथ से मसल लेंगे। ये पेट के लिए भी अच्छी होती है। और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है, ये हाथ से ये भी क्रश कर लेती हूँ। इसकी भी खुशबू मठरी में बहुत अच्छी आती है, इसकी मठरी खाने में बहुत अच्छी लगती है। स्पून नमक स्वाद अनुसार। 160 ml मैंने सूजी डाल रही हूँ। अब मैंने सबको मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके, एक कटोरी घी लिया है मैंने, गरम कर लिया है, इसको डाल के गूंथते हैं। ये हमारा 160 ml घी लग गया है। हम इसको दोनों हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसका ऐसा पेड़ा बन जाना चाहिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथती हूँ अच्छे से। बेकिंग पाउडर से खस्ता बनती है थोड़ा, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, आपकी मर्जी है। हमारी मैदा ऐसी होनी चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं गूंदेंगे, इसके तरह ऐसी रख देंगे इसको सेट होने के लिए। हमें ऐसे मैदा को गूंदिए, 15 मिनट हो गए हैं, अब सेट हो गई। अब मैं इसको गूंदती हूँ थोड़ी सी, थोड़ी चिकनी कर लेते हैं इसको, एक दो हाथ मारने, ज़्यादा नहीं। इसको बस ऐसी लेयर आनी चाहिए, देखो कितनी अच्छी लेयर आ रही है इसमें। थोड़ी थोड़ी लेके उसको बेल लेंगे। अब हम इसके साइड से ये निकाल दे रहे हैं। अब हम इसको लंबा लंबा काट देंगे। इसको इधर से ऐसे काटेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। इसी तरह से हमें सारी मैं इसको बेलती हूँ। बस ये हमें इतनी मोटी रखनी है, हम इसको काट लेते हैं।
इसी तरह से हमें सारी बना लेनी है। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, हम चेक करते हैं इसको। हमारी कढ़ाई तैयार है, अब मैं इसमें मटरी डालती हूँ। गैस हमें मीडियम करनी है, तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो जल जाएंगे, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसको बीच में चलाते रहना है, इसको हमें सुनहरा होने तक तलना है, पिंक कलर तक। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हमारी सिक गई है, अब मैं इनको निकालती हूँ। इसी तरह से हमें सारी मटरी सेक लेनी है। हमारी मटरी बनके तैयार हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।